आग्रही है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं भविष्य में? जी हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। विधानसभा हमारी जनता हमको चाहती है और अवश्य लड़ेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमें ओबीसी वर्ग में कर रहे हैं, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारा किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए अलग से, क्योंकि हमें भी लड़ने का और सब चीज का समाज में जीने का हक होना चाहिए। आज भी किन्नर समाज के वो लोग हैं जो बसों में और ट्रेन में भीख मांगने को मजबूर हैं। क्या मध्य प्रदेश शासन को और देश को उनके विकास के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? नमस्कार, आपके जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय लहार विधानसभा में हूं, जहां पर जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीधी बात कार्यक्रम में इस समय हमारे साथ समाज सेवी किरण दत्ता जुड़े हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश और देश की आवाज को एकजुट करते हैं। दत्ता जी, पूरा मध्य प्रदेश देश में देखा जाए किन्नर समाज का भी एक संगठन होना चाहिए। अब आप किन्नर समाज भी राजनीति में आ रहा है और आपके में भी धर्म गुरु बन रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि शासन से, मध्य प्रदेश शासन से आपको सुविधा उपलब्ध होना चाहिए ऐसा कुछ? देखो, ऐसा है, थर्ड जेंडर में कराता 14 में, है ना, 2014 में थर्ड जेंडर में हम लोगों को किया, अब हम मानता हमें मिली किन्नर समाज को भारत में। और अब देखिए, सुनते हमने कल एक वीडियो देखा, हमारे भोपाल से आया है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी हमें ओबीसी वर्ग में कर रहे हैं, ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। क्यों? कि ओबीसी धर्म में हम सभी जातियाँ होती हैं, हम लोगों की ब्राह्मण भी होता है, ठाकुर भी होता है, सभी दलित भी, सभी होता है, हमारा मुसलमान भाई भी है, सभी है, तो इस बात को तो हम विरोध करते हैं। हम जैसे पहले रहते थे हम उसी तरीके से रहना चाहते हैं भारत के अंदर। क्यों नहीं? हमारा किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए अलग से, क्योंकि हमें भी लड़ने का और सब चीज़ का समाज में जीने का हक होना चाहिए किन्नर समाज को। हमारे 40,000 से ज़्यादा वोट गए मध्य प्रदेश के अंदर किन्नर समाज की, तो वोट देते नहीं हम लोग, सब वोट देते हैं, तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। क्या है? कुछ नहीं है, कभी तो ट्रांसजेंडर में पहुंचा देते हैं। अब देखिए, शिवराज सिंह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अब वो ओबीसी में हमको कर रहे हैं किन्नर समाज को, इस बात का हम विरोध करते हैं मुख्यमंत्री जी से, कि हम जरा सा भी पसंद नहीं करते। हम जैसे पहले थे, हम रजवाड़ाओं के हैं किन्नर समाज, देखिए आज से हजारों बरस पुरानी बातें, हमारी जी गद्दिये हैं, ये गद्दी मिसाल देती हैं, हमारे रजवाड़ों से चला आ रहा है जी किन्नर समाज, नाचने गाने का काम हमारा, अच्छी बुरी सब चीज़ का कार्य करते हैं, हमारे गुरु, हम गद्दीपति हैं, तो गद्दीपतियों की हम लोग पुरानी रियासतें चली आ रही हैं आज भी, तो ऐसा नहीं है, हम नहीं भूलते, सरकार को नहीं भूलना चाहिए, इस बात का हम विरोध करते हैं। हमें ओबीसी में नहीं करना चाहिए, उनको जी गलत बात है कि उसमें सारी जातियाँ आती हैं, किन्नर समाज में भी एक ही थोड़ी होती है, तो हमारा तो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए, तो हम सारे 52-53 विधानसभा सीटें हैं MP के अंदर, तो हम सब पे चुनाव लड़ें और आगे बढ़ें विधानसभा का सब जगह, तो हमें भी एक गर्व होगा, हमारी जनता का विकास करेंगे हम लोग सारे लोग। कहीं ना कहीं आप सवाल दाग रहे हैं कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं भविष्य में? जी हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे। विधानसभा हमारी जनता हमको चाहती है और अवश्य लड़ेंगे। हमारी बहुत सी सारी जनता की समस्याएं हैं, अरे बहुत सी समस्या अभी बाकी हैं, अभी क्या आते या ठीक है, कहते हमारे माननीय जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, हम उनका बार बार धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। क्यों? कि हमारे वो राजा हैं जिस हम जी भारत के, तो उनसे तो मेरा अनुरोध यही है कि हमारे किन्नर समाज को भी गठन करना चाहिए किन्नर कल्याण बोर्ड का, तो इससे हम आगे बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, हैं, तो ये मेरा कहना मोदी जी से। मोदी जी तो ठीक है, उनने करा है, कर ऐसा नहीं कि नहीं करा है, क्यों, वो हमारे राजा हैं, हम प्रजा हैं, उनकी प्रजा हैं हम सब लोग, तो राजा को सोचना चाहिए, राजा हैं वो तो हमारे भारत के, उनको सोचना चाहिए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये सारी बात को ख्याल दिमाग में रखना चाहिए उनको अपना, और हम लोगों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि समाज के। किन्नर कल्याण बोर्ड की मांग चल रही है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और उन्होंने ओबीसी पे भी कटाक्ष किया है, क्योंकि वो किसी एक वर्ग से बढ़ने नहीं आते, क्योंकि सर्व जातियों से मिलकर और कल्याण बोर्ड चाहते हैं जिसमें किन्नर समाज का विकास हो। नहीं है भैया, राजा भैया पर पत्रकार जी, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्हें अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, जो समझिए रुपए में 98 वर्ष मकान उन्हें दिए हैं, आवास दिए हैं, ऐसा नहीं, अब तो हमारे भी म्योना में भी देखा है और गांव में भी हम देखने गए हैं, अब उनकी समस्या देखते हैं तो बहुत हल हुआ है, समझिए
दादा जी, आपके समाज के किन्नर समाज के लोग इस समय देख रहे हैं, वो तमाम आज भी गरीब हैं। किन्नर समाज के लोग, आप संपन्न हैं, आप गरीब बेटी को शादी करते हैं, लेकिन आज भी किन्नर समाज के वो लोग हैं जो बसों में और ट्रेन में भीख मांगने को मजबूर हैं। क्या मध्य प्रदेश शासन को और देश को उनके उनके विकास के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, हाँ, ये बात तो सही है। हम माननीय अपने CM साहब हैं हमारे, जो शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री जी, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि सही बात है, जो बेचारे उनके लिए सोने के घर नहीं है, मकान नहीं, बहुत से ऐसे किन्नर लोग हैं बेचारे, जो कि उन पर उन्हें सोचना चाहिए। उनसे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं हम अपने प्रधानमंत्री जी जी से, मोदी जी से, मेरा बार बार नमन करते उन्हें, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, भारत के हम प्रजा हैं, तो प्रजा सभी सुखी रहती है, जब ही राजा भी अच्छा लगता है प्रजा भी अच्छी। किरण दत्ता जी, जो आवास हिंदुस्तान के उन गरीबों को मिल रहे हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, किन्नर समाज भी इस योजना के अंतर्गत आता है, किन्नर समाज को भी आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, किन्नर समाज को भी एक निश्चित धनराशि मिलना चाहिए, इससे उनका और उनको राशन मिलना चाहिए। आज किन्नर समाज जगह जगह अपने हक व अधिकारों की मांग करता रहता है, आप किन्नर समाज के नेता हैं, तो आप नहीं मांग करेंगे क्या? नहीं नहीं जी, हमने ये तो पहले भी हम इंटरव्यू में कह चुके हैं, और फिर भी उनसे अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिवराज जी से, क्यों कि सही बात है, किसी किन्नर को आज तक कोई भी एक आवास नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला, हकीकत बात है, क्योंकि जो बेचारे बुक किन्नर हैं, ऐसे गद्दियों पे नहीं है, उनके पास तो कुछ भी नहीं, वे किराए के कमरों में रह रहे हैं, जो बात हकीकत है, सही बात हमने देखा है आंखों से। और जो गद्दीपति हम लोग सब गद्दीपति, हमारे तो सात सात पीढ़ियाँ मतलब आती जाती रही हैं, यहाँ हमारे गुरु चेले का एक वो रहता है, हम गुरु चेले का या गद्दीपति अपने गुरु की गद्दी पे, तो हमारा तो चलता रहता है, मगर बेचारे उनका नहीं चल पाता है। हम जनता हमको जो देती है वो राशि, हम सारी गरीब बच्चियों की शादी में राशि लगाते हैं, घर घर जाकर पूछते हैं, उनकी समस्या हल करते हैं, जी हमारा कार्य है अपने विधानसभा क्षेत्र में का। हम कहीं से भी आए, UP हो या MP हो या राजस्थान, जो हमारे पास आते हैं भाई, हमारे माताएं बहनें जो भी आती हैं, भाई बुजुर्ग, हम सबके साथ जाते हैं, उनकी समस्या को हल करते हैं, यही हमारा जीवन है। किरण दत्ता जी, लगातार बेटियों की आप शादी करते हैं, लगभग एक साल में कितनी बेटियों की शादी कर लेते हैं? देखिए ऐसा है भैया, राजा भैया पाल, अब अनगिनती है शादियाँ, हमें इतना पता नहीं रहता है, जी है जितनी भी 100-200 जितनी भी हो जाती हैं, आते हैं सब लोग, आते हैं सब, ये सहयोग करते हैं, और फिर मेरा सहयोग करने का कार्य है, क्यों कई हमारी बच्ची हैं सभी, हम बिल्कुल चाहे, इससे नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब मेरे भाई भाई हैं, सबकी बच्ची है, मेरी एक समान है, हम अपने क्यों कि जिंदगी में यही है मेरे, और क्या है आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो हम सबको अपने दिल से हृदय से सभी बच्चियों को अपना मानते हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, और हमें ऐसे ही शादी करते हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदा क्षेत्र में। राजा भैया पाल जी, एक तरफ सरकार है जो कि गरीबों की शादी, बेटियों की शादी की बात करता है, कन्या विवाह योजना की बात करते हैं, लेकिन अब ऐसे कठिन नियम बना दिए गए हैं, और एक तरफ किरण दत्ता जी लगातार शादियाँ कर रहे हैं। हाँ जी, बात तो सही है, देखिए आप सही है, सही प्रश्न पूछा आपने, उत्तर दे रहे हैं, हाँ हकीकत बात है कि शादी यही क्या, हजारों भी ऐसी बच्ची हैं क्षेत्र का, हमारे लाहौर क्षेत्र में देखिए, चाहे कौन सी क्षेत्र, जिला भिंड का, MP UP कहीं पे भी देख लीजिए, बहुत सी बच्चियाँ भी ऐसे बेघर हैं कि उनके घर का मकान भी रहने के लिए नहीं है, तो ये देखिए हमें उन्हें सब देखना पड़ता है, क्यों कि यही जीवन है हमारा, क्योंकि आजकल जानती हो नेता नगरी की बात हम कम करते हैं, क्यों हम समाजसेवी हैं, समाज से मतलब रखते हैं हम, क्यों समाज यही सबसे बड़ा जीवन है हमारा, और हमें बच्चियों की दुआ लगती, सारी बच्ची मेरी है, मुझे दुआ देती हैं, हम अकेले तो नहीं हैं क्षेत्र के अंदर, सारी बच्ची, सारे बच्चे मेरे साथ हैं, ये समझिए। पूरा देश का किन्नर समाज आपको देखता है, और अधिकांश आपका चेहरा जब वो सामने आते हैं तो उनके अंदर भी अब भाव जाग रहा है कि हम भी दान करना सीख जाए, क्योंकि अभी तक तो वो लेते ही थे, लेकिन अब वो दान देना भी धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ जी, देखिए किन्नर समाज पर आप पूछ रहे, सही बात है, एक हमने देखिए सबसे बड़ी मिसाल बनाई इस चीज़ की, सब प्रथम चालू करा हमने क्षेत्र के अंदर, जैसे जिला भिंड में जब से यहाँ गद्दी पे आए, हमारे गुरु भी कार्य करती थी, उन्हीं को देख के हम भी वही कार्य कर रहे हैं और करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि भाई किन्नर समाज भी सामने आए और सब लोग आए और सब गरीब बच्चियों के शादी विवाह करें, कोई भी प्रोग्राम होता है सामाजिक जो भी है, सब में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन है हमारा, हम किन्नर समाज से अनुरोध करते हैं, अपने किन्नर समाज से सभी लोग ज़्यादा की संख्या में आकर के और कन्या दान करें,
कन्याओं की शादी करें जिस तरीके से हम करते हैं। और यही अपील है मेरी सारे किन्नर समाज से, यही अपील करते हैं हमको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों की शादी करें और एक दूसरे की मदद करना चाहिए, क्योंकि हम भाईचारे की मिसाल पैदा करते हैं। देखिए एक मिसाल होती है, हम सबको इकट्ठा लेकर चलते हैं, ये नहीं करते हम, क्यों, ये नेता लोग करते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो करते हैं राजनीति कैसी माने हिंदू मुसलमान फलाना ये सब बहुत सारी बातें, मगर हम नहीं करते, हम सभी धर्म को लेकर चलते हैं। क्यों, सभी धर्म से ही पूरा भारत आगे चलेगा और पूरा भारत चलता है, एक से नहीं चलता है। राजा भैया पाल जी, हाँ, सभी धर्मों का देश है हिंदुस्तान, सभी धर्मों से मिलकर बना होता है। अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी हिंदू धर्म को लेकर चलते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। मऊ में अभी श्रीमद् भागवत करा रहे हैं मुस्लिम भाई, जिन्होंने अपने सिर पर व्यास भगवत गीता को लेकर के चल समारोह निकाला है। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, आपने सही प्रश्न पूछा है, हमने आंखों से देखा है उनको कल, ये देखिए हमें भी सूचना आएगी, हम भी जाएंगे भागवत वहाँ मऊ के अंदर, हमारे मुसलमान भाई भी भागवत करा रहे हैं, बड़ी खुशी, एकता की मिसाल दे रहे हैं, वो भी देखिए हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। देखिए कोई भी धर्म हो, अल्लाह है तो ईश्वर है तो एक है सब, इसमें कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे भी 2 साल पहले एक मुसलमान भाई थे, उन्हें भागवत करवाई थी गढ़ी के ऊपर, पूरे गांव ने सहयोग करा था, हिंदू मुस्लिम सब ने, यहाँ पे भी मिसाल बनवाई थी हमने 1 साल मिहोना के अंदर, और आज मऊ के अंदर भी मिसाल बन रही है कि मुसलमान भाई हमारा, और देखिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी के लिए, सबको मिलाने के लिए, क्योंकि अपन तो बांटते नहीं है, अपन तो जुड़ने के चक्कर में थे, सभी को मिलाएं, इकट्ठा करें, मित्रता करें, जैसे एक सुग्रीव और भगवान की मित्रता हुई थी, इस तरीके की मिसाल देते हम भारत के अंदर। देखिए इस तरीका से ही हम आगे बढ़ा रहे हैं सबको, जब ये भारत जो मजबूत बनेगा, अर्थात ऐसा भारत मजबूत नहीं बनता है, सभी को लेके और चलने से ही भारत मजबूत बनेगा। इस इतना ही कहना चाहते हैं भैया राजा जी, बिल्कुल हमारे पत्रकार जी जी। तो इस समय आपके जनादलाल न्यूज के इसके लिए इंटरव्यू में तमाम मुद्दे को उठाए हैं, पूरा भारत का किन्नर समाज इस इंटरव्यू को देख रहा है, निश्चित रूप से उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड की बात की है। जुड़े रहिए आपके जनादलाल न्यूज के साथ, और यह इंटरव्यू को लेकर निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर धमाका मचने वाला है, ऐसे में देखना है कितने किन्नर समाज के लोग और कितने भारत के राजनेता इस इंटरव्यू को पसंद करते हैं और किन्नर हम किरण दद्दा की मांग को वो लागू करते हैं, देखना होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। अदालत न्यूज को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। के साथ नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।